तस्मात् शास्त्रम प्रमाणस्ते कार्यम कार्या व्यवस्थितो हो। देखिए हर चीज हमारे यहाँ व्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में विधि बताई गई है। वो बात रहा कि हम उसका अनुपालन न करें, हम उसको अपने फॉलो न करें तो फिर हमारे जीवन में वहीं पर समस्याएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के मुख्य पहलू, यानी भूमि का, जब हम खरीदते हैं भूमि को, हम उसका चयन करते हैं अपने घर बनाने के लिए, तब हम उस जमीन का परीक्षण कैसे करें। बड़े बड़े वास्तुविदों को हम लोग बनाते हैं, वास्तुशास्त्रों को बुलाते हैं, बड़े बड़े फीस हम पे करते हैं और फिर भी हम कहीं ना कहीं इन सब बातों से चूक जाते हैं कि वास्तु में क्या होना चाहिए। कुछ चीजें छोटी छोटी हैं जो आप खुद भी उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उस भूखंड को पहचान सकते हैं कि वास्तव में ये भूखंड हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं। वास्तव में इस भूखंड के अंदर घर बनाने के पश्चात सुख समृद्धि का वास होगा या नहीं, आपकी आने वाली संतति इसमें अच्छे से ग्रो कर पाएगी या नहीं, आपके लिए धन बल, यश बल, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन के आगम स्रोतों के लिए यह भूखंड कैसे रहने वाला है, यह घर कैसे रहने वाला है, इस तमाम चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, सारी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं आपके साथ समय समय पर चर्चा करता रहता हूं, आपको इन सब बातों की जानकारी यहां पर देता हूं। देखिए आज हम जब भूमि परीक्षण की बात करेंगे, देखो प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, अगर हम ये चीजें स्वयं प्रमाण हमारे सामने प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं तो अन्यत्र से प्रमाण लाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप स्वयं चेक कीजिए यह भूखंड आपके लिए लाभदायक है या नहीं, उन्नति कारक है या नहीं। भूमि का परीक्षण कैसे आपको करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप घर के लिए ले रहे हैं या फिर आप आगे उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, तब भी आपको एक चीज का ध्यान यहां पर रखना चाहिए, बेचने के लिए हो चाहे घर बनाने के लिए हो, दोनों नियम के अंदर यह नियम लागू होता है कि किसी भी वीरान जगह में प्लॉटिंग अगर हो भी रही हो तो भी आप वहां पर प्लॉट ना लें। कोई बड़ी लैंड पड़ी हुई है और उसे किसी कोई डीलर से खरीदना चाह रहा है तो उन लोगों के लिए भी जानकारी है कि वीरान जगह में हमें भूखंड को नहीं खरीदना चाहिए, और आवासीय अगर हम अपने लिए ले रहे हैं, घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं। शमशान के आसपास की भूमि बहुत शुभ नहीं कहलाई जाती है। नदियों के तट पर विषय अलग है कि वहां पर उसका रेट ज्यादा होता है, वहां पर लोग रहते हैं, लेकिन एक चीज और भी आप समझ लीजिएगा, जो नियमित रूप से कहीं ना कहीं नदियों के किनारे रहते हैं वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, उनके सामने किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं उन लोगों से आप कभी खुद स्वयं पूछिए, तो यह भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद बात आती है कि हम लोग दूसरा नियम, अगर मकान बनाने के लिए हम लोग ले रहे हैं तो इस शुभ भूमि का चयन हम अगर कर रहे हैं तो मैं आपको चार पांच नियम यहां पर बताने वाला हूं। वास्तुशास्त्र को लेकर, भवन निर्माण को लेकर, भूमि को लेकर मैं वास्तुशास्त्र के इस एपिसोड में लगातार आपके साथ कई टॉपिक्स पर चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैंने अभी तक आपको सीढ़ी के बारे में बताया, उसकी सही विधि क्या है, कहां से बननी चाहिए, कितनी सीढ़ियां होनी चाहिए, किस क्रम में होना चाहिए, किधर को घूमनी चाहिए, ये सब बातें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। दूसरा, मैंने यहां पर पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा को लेकर, दसों दिशाओं को लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि दसों दिशाओं के अंदर कौन सी चीज बेहतर होती है, कौन सा होना चाहिए, अगर नहीं है वहां पर समस्याएं हैं, वहां पर उसके विपरीत कुछ निर्माण है तो क्या उसकी समस्याएं हो सकती है, क्या उससे समाधान हम प्राप्त कैसे करें, तो यह भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। अब हम पूर्व दिशा के साथ साथ, उसके लिए मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में चर्चा की, अब हम बात करें कि भूमि का चयन, भूमि का निरीक्षण किस रूप में हम कर सकते हैं। तो दो नियम मैंने मुख्यतः आपको बताए, चाहे वो गृह निर्माण के लिए हम ले रहे हो या फिर हम सेल के लिए हम फिर से जो है जगह का चयन कर रहे हैं। अगर गृह आदि निर्माण के लिए हम जगह ले रहे हैं तो उसकी भूमि परीक्षण के लिए आपको जिस जगह में हम लोग उस टुकड़े को खरीद रहे हैं, हमें वहां पर ध्यान रखना है कि शाम के समय में सूर्यास्त के आसपास हम लोग उस भूखंड में जाएं। अपने प्लॉट में आप चले गए, वहां पर आपको पूजन करना है सूक्ष्म विधि द्वारा, और फिर डेढ़ हाथ लंबा, डेढ़ हाथ चौड़ा और डेढ़ हाथ गहरा एक गड्ढा खोदना है वर्गाकार, जिसमें लगभग डेढ़ हाथ लंबाई, चौड़ाई और गहराई इसमें रखना है।
इस गड्ढे में आपको जल भर देना है। गड्ढे को खोदकर जल भर दें और प्रातः कालीन तक अगर उसमें से सारा जल समाप्त हो चुका हो तो वह मध्यम कोटि की भूमि कहलाई जाएगी, और अगर उसमें कुछ जल शेष हो, अवशेष हो, वह गड्ढा भरा हो या आधा हो चुका हो, उसमें जल की मात्रा हो, तो वह गड्ढा उस जमीन के बारे में बताता है कि यह जमीन अत्यंत शुभ है। और अगर उसमें से जल समाप्त होने के बाद उस आसपास की जमीन में कुछ दरारें आ गई हों, बड़ी बड़ी दरार पड़ गई हों, तो वह उस जमीन के उत्तम होने पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, वह बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा परीक्षण हम यहां पर यह भी कर सकते हैं कि वास्तु परीक्षण के लिए भूमि का दूसरा नियम कि फिर हम डेढ़ हाथ का वर्गाकार गड्ढा खोदें, उसमें अगर स्वच्छ मिट्टी निकलती हो तो वह बहुत श्रेष्ठ है। अगर उसमें साफ कोई ईंट का टुकड़ा निकलता हो, यानी मतलब जो ईंट खराब ना हो, ईंट जली ना हो, इस प्रकार का कोई पत्थर का टुकड़ा वहां पर निकलता हो तो वह शुभ है। कोई धातु अगर वहां से निकलती हो, पीतल का कोई टुकड़ा मिल जाए, पीतल की कोई चीज मिल जाए, तांबा मिल जाए, या फिर कोई द्रव्य मिल जाए, जैसे कि रजत द्रव्य मिल जाए, या कोई करेंसी के रूप में कोई धन का वहां पर कोई टुकड़ा मिल जाए, तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा भूखंड आपके लिए धन वृद्धि कारक होता है, आयु वृद्धि कारक होता है, संपत्ति वृद्धि कारक होता है, और संतति का भी कारक माना जाता है अगर वहां पर इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। स्वर्ण की चीज कोई मिलती है तो भी अत्यंत अच्छा है। जैसे स्वर्ण मिलना और खोना वो विषय अलग है कि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन भूखंड के परीक्षण के दौरान अगर ये चीजें प्राप्त होती हैं तो वो श्रेष्ठ मानी जाएंगी। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर वहां पर कोई हड्डी का टुकड़ा मिलता है, कोई कंकाल मिलता है, कोयला अगर वहां पर मिलता है, कोई केस वहां पर मिलते हैं, बालों का गुच्छा मिलता है, बाल मिलते हैं, या फिर राख वहां पर मिलती है, जली हुई लकड़ी का कोई टुकड़ा वहां पर मिलता है, लोहा वहां पर मिलता है, या रुई का कोई अवशेष वहां पर मिलता है, ऐसी जमीन शुभ नहीं मानी जाती है। वह भूखंड व जमीन का टुकड़ा व प्लॉट बहुत शुभ नहीं माना जाता है। अब तीसरे पॉइंट पर लौटते हैं। तीसरा परीक्षण यहां पर विश्वकर्मा जी के अनुसार यहां पर हम बात करें तो एक और तरीका है जिसे आप फिर से अपना सकते हैं और भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। वह परीक्षण किस रूप में कर सकते हैं? आप अपने भूखंड के उत्तर दिशा में लगभग वही डेढ़ हाथ का एक चकोर गड्ढा खोदें, जिसमें डेढ़ हाथ लंबा, डेढ़ हाथ चौड़ा और डेढ़ हाथ गहरा आप गड्ढा खोदें और गड्ढे की सारी जो मिट्टी से बाहर निकाल लें। विश्वकर्मा जी के द्वारा यह नियम, उस मिट्टी को बाहर निकाल लें सारी मिट्टी, और फिर पुनः आप जो है वह मिट्टी उस गड्ढे में भरें। अगर गड्ढा पूरा भर जाता है और कुछ मिट्टी शेष बच जाती है तो वह प्लॉट आपके लिए यश, धन, संतति सब चीज में वृद्धि कारक होगा। अगर वह भर जाता है, मिट्टी अवशेष नहीं बचती है, तो वह लगभग मध्यम माना जाएगा। और अगर उसमें मिट्टी डालने के पश्चात मिट्टी कम पड़ जाती है, वहां पर कमी हो जाती है मिट्टी की, गड्ढा नहीं भर पाता है, तो ऐसे प्लॉट को भी शुभ नहीं माना जाता है। यह भी एक परीक्षण का नियम। दूसरा एक परीक्षण का और नियम कि भूमि में कहीं भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हो, ऐसा जमीन का टुकड़ा शुभ नहीं माना जाता है। जहां कांटे पड़े हो, दीमक लगी हो जमीन में, दीमक के पहाड़ हो, उबड़ खाबड़ प्लॉट हो, ऐसे प्लॉट को भी शुभ नहीं माना जाता है। एक और पांचवी नियम, जब हम नींव रखते हैं खोदते समय अगर वहां पर चिकनी मिट्टी मिलती है, अच्छा वहां पर जो है मिट्टी प्राप्त होता है, वह मिट्टी शुभ है आपके लिए, वह प्लॉट शुभ है। वहां पर चिकनी मिट्टी मिलती है, गीली मिट्टी मिलती है, ईंट या शुभ पत्थर के टुकड़े वहां पर मिलते हैं तो यह शुभ है। और इसके विपरीत जैसे मैंने आपको कहा कि कोई कंकाल, हड्डी का टुकड़ा, रुई, किसी प्रकार के केस, यह वहां पर उस प्लॉट के शुभ होने का संकेत नहीं देते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से अगर आप किसी प्लॉट को खरीद रहे हैं तो आप उस भूमि का परीक्षण आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने जमीन
में वास्तु के अनुसार गृह निर्माण करना चाहते हैं उसके लेकर भी मैं चर्चाएं कर चुका हूं। कैसे आप अपना मकान बनाएं, किस डेट पर बनाएं, उसके लिए मुहूर्त कैसे निकालें या गृह प्रवेश के लिए कैसे मुहूर्त निकालें, कब क्या विधि, इन सब चीजों को लेकर मैं समय समय पर आपके साथ चर्चा करता हूं। बंधुओं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अध्यात्म ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर हमें लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप समय लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।